डिपार्टमेंट को कराया नहीं गया। हम सबका क्या रिश्तेदार लग रहा है, 40 साल से आखिर काम में है भी हो गया। गुलिस्तान फेसबुक लाइव में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद, नील के परहिंदर इलाके में आपके सामने मौजूद है। बात करना चाहेंगे महकमा रूरल डेवलपमेंट के हवाले से। यहां पर कहीं ना कहीं जो मकामी लोग हैं और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिनकी उजरत बकाया है, जिनका पैसा बकाया है। मकामी लोगों का ये मानना है कि 4 साल पहले परहिंदर के इलाके में एक जो नदी यहां से चल रही है, इसको एक ब्रिज बनाना मतलूब था, जो कि यहां पे महकमा रूरल डेवलपमेंट ने जो यहां पर फाउंडेशन बनाई, एक छोटा सा पिलर बनाया और जो मेन एक बड़ा पिलर है वो यहां मकामी लोगों के डोनेशन के सबब यहां पर बना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके साथ में यहां पर जो गरीब आवाम है उनका मानना है कि उनका पैसा अभी भी वाओगुजार नहीं हुआ। लोग ऐश कर रहे हैं लेकिन गरीबों की तरफ जो है यहां पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं है। मेरे साथ में एक बड़ी बहन है, ये पेंच है, जरीना बेगम है इनका नाम, और इनका मानना है ना ये उर्दू बोल पाएंगी और ना ही ये कश्मीरी जबान बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ की हमारी बनिहाल की एक लोकल जबान भी है यहाँ पे और जो कि यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल होती है। और तालीमी हिसाब से बात करें तो ये वादी नील जो है बहुत बेहतर तालीमी मयार भी है यहाँ के इस इलाके का, बड़े बड़े ऑफिसर जो है इस इलाके के। लेकिन हमारी ये जो कुछ बहनें हैं जो अगर पूरे सब जिला बानीहाल की बात करें तो वो थोड़ी सी जरूर जो है यहाँ पर जो है बात करने से गुरेज करते हैं। चलिए उनके बाद हम मकामी लोगों से बात करें। आप बात करेंगे हमारे साथ? चलिए, आपने बोला था मैं बात नहीं करूंगी। आप बताइए आपका पैसा बकाया है? बकाया था। कितना है बकाया? खास फास असन छे असन में रात में पैसा 2-2.5 लाख रूपये, ये तो पैसा क्या चाहते बकाया, मतलब इनका कहना। अच्छा, आप बताइए फिर मैं ट्रांसलेट जो है नाजरीन को बताऊंगा। बताओ क्या कितना पैसा बताया? सारे मजदूर चिपिया पिया करते रूरल डेवलपमेंट अफसर से कितने साल हो गए? बस 4-5 साल चले। नादरीन, ये जो हमारी एक बड़ी बहन है जरीना जी, इनका नाम है, पैच है परहिंदर की, इनका मानना है, इन्होंने जो अपनी यहाँ पे जो लोकल हमारी जो भाषा है बनिहाल की, इसमें इन्होंने बताया कि 4 साल से जो है इनको पैसा नहीं मिला है। रूरल डेवलपमेंट ने काम लगाया और इनको ये भी खबर नहीं है कि इसमें कितना पैसा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बनिहाल के अंदर जो है सब जिला बनिहाल के अंदर दूर दराज इलाकों में कितनी वायलेशन है। आप ये भी समझ सकते हैं कि 4 साल एक गरीब आदमी का पैसा बंद रहना जो है उसके लिए कितना मुश्किल होता है। यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, आप नाम बताइए थोड़ा जोर से बताओ। आप चेहरे को साफ देख सकते हैं कि गरीबी की सत्ता से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनकी हालात कितनी खराब होती है। अब उनको उम्मीद ये होती है कि जो महकमा जात की जानिब से कुछ यहां पर राहत का काम हो जाएगा, हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसे गरीब लोगों की उजरत भी बकाया है। ये आप देख सकते हैं, मैं किसी को कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेल जो है सबको होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गरीबी इसे कहते हैं। और फिर जो लोग यहां पर ऐसे लोगों का हक खाते हैं, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया कि ऊपर वाला भी जो है उनको फिर माफ नहीं करता है, और वो लोग जो दगा देते हैं ऐसे लोगों को उनकी हालात भी फिर बहुत बुरी आखिर पर होती है। कितने महीनों से, कितने साल से पैसा बकाया है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कितने दिन लगाए आपने? दिन लगाए कोई 2-3 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2 महीनों में कुछ पैसा मिला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो रूरल डेवलपमेंट के यहाँ लोग आते हैं, अब आपका नया सरपंच भी बना है, उसको आपने बोला था पैसा बकाया है वहाँ पे? बोला था सबको, मगर वो कैसे नहीं, आज भी कल परसों यही तो हम देखे, कल परसों वगैरह वगैरह ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं। और हकीकत यही है कि गरीबों को जो है पैसा नहीं मिल रहा है। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है जी, आप बताइए नाम अपना। मोहम्मद जी,
सुहेल साहब ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर एक सवाल, कब से पैसा बकाया है, कितना पैसा बकाया है? यही लगभग 4 साल हो गए ये काम करें जी। तो पैसा आप पता नहीं मुझे क्या रेट लगाएंगे, 1.5 महीना मैंने लगाया है जी। अगर कोई हलफ पर भी आएगा ना हम तैयार हैं जी। पैचू और सरपैचू को पूछा हमने, बोला आप काम करो टेंशन मत लो, क्या हम उलझन में फंस गए। यहाँ वो क्या कहते हैं ब्लॉक वाला भी आया सेक्रेटरी, उसने कहा बाबा तू काम कर पैसा देना हमारा काम है, मुझे मैं पत्थर तोड़ने वाला हूँ, खून निकला था हाथों में। बात यही है, आप एज लेबर काम करते थे या मैसन? नहीं मैसन नहीं, मैं पत्थर तोड़ने वाला था वही, मतलब आप हमर चलाता हूँ बिल्कुल। नाजरीन हाँ। आप देख सकते हैं ये एक नौजवान है, नाम क्या बताया था? मोहम्मद दीन सोहेल साहब। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कड़ी धूप में चाहे 4 साल पहले ही यहाँ पर जो लोग हैमर चलाते हैं, पत्थर तोड़ने वाले जो लोग हैं, डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को सैलरी मिलती है, उस हवाले से 4 साल से जो है यहाँ इनको पैसा बकाया है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं गरीबों के साथ जो है कितनी नाइंसाफी है, और हमारे खून निकला है जी। और साथ में इसका ये मानना है कि हाथ में छाले पड़ गए हैं, पसीना जो है, ये पत्थर भी आप देख सकते हैं हाँ। यहाँ पर जो है पत्थर कुछ तोड़े हुए हैं बहुत सारी जगहों पर, ये जो कैमरा पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और बुजुर्ग करीमुद्दीन साहब रिटायर टीचर है, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज और छोटा सा सवाल, इन लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला? देखिए हुजूर, जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है तो एक ये पुल जो आपके सामने जो नक्शा है ये तो आया है, आपने पोजीशन खुद देखी, और लोगों का जो रोना है ये भी खुद सोना सही है। ऐसे ही बाकी और भी बहुत सारे काम है हमारे इलाके में, वाहिद एक काम नहीं है, मतलब कोई ड्रेन है या रास्ता है। फिलहाल आप इस काम के लिए बताइए, इस काम के लिए अब ये हमें मालूम नहीं है कि भाई इसका पैसा ड्रा हो चुका है या अभी तक पेंडिंग है, लेकिन लोगों को ये लोग रोते हैं कि हमारे पैसा नहीं मिला। नहीं हमें 1 रुपए नहीं, इनको मिला नहीं पैसा बिल्कुल। अब हमें ये पता नहीं है, महकमे को पता होगा कि ये पैसा ड्रा हो चुका है या अभी पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो क्या वजह है, अगर ड्रा हुआ है तो कैसे हुआ? चलिए नाजरीन, इसमें कोई बड़ी वजह तो नहीं है। मनरेगा में जब कहीं पे काम उठाया जाता है उसमें पहले पैसा सैंक्शन होता है, पैसा आता है, उसके बाद रूरल एरिया के लोगों को यानी जनरल जो कम्युनिटी होती है उसके लिए जो है उनको कहा जाता है कि आप काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है नील के प्रहेंद्र इलाके की, यहाँ पर इनको पैसा नहीं मिला है। और यहाँ इन्हें ये भी खबर नहीं है, जैसे एक पंच जो हमारी एक बहन है ये बता रही थी कि कम से कम 2.5 लाख से ऊपर जो है इसका एस्टिमेट है, लेकिन जो नेचर ऑफ वर्क है या जो नाले के हिसाब से जो है इससे पैसा ज्यादा भी हो सकता है। इनसे आखिर में और पूछने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। जो ब्लॉक के लोग आते हैं यस ब्लॉक से नफरत से जो रियोन दसना वन के आज राज दिमो पैसे दिमो, मगर मजदूर चाहे खास बकायात मजदूर चाहे सारे की सारे मजदूर ऐसी पता थी ये क्यों ये जो लेबर यहाँ पे लगी थी जो बोल रहे हैं पैसा बकाया है, ये आपने लगाए थे? आपने लगाया? सरपंच ने मैंने बिल्कुल सेक्रेटरी जो ज्वाइन तुझ कर कार तुझ लॉ कार रेजोल्यूशन जितनी त्राय ये जितनी नायब कर बनाओ एना बनाओ रेजोल्यूशन भी डाला गया था हाँ, लेकिन रात ना चाहे पात्र ने नजर दी थी पात गया अत ही नहीं, मगर ये खसम गुस्सा लाभ तो कहती ये बेखसमान है मजदूर पिया पिया करते गरीब बुर्बाद कैसे कुड़मा है कैसे मर्द इलाके में बच्चे इलाके में कैसे, मगर यहाँ वे ना वो तशपूस कैसी सीमेंट दी नहीं कखन सिले नहीं मान लाख बस ये दुकान पांच दिन चल नहीं वी पैसे बैंक पर वो शहर रात में दुकानदारों से मान यू चु पिया पिया करते बिचार तो मगर मजदूर आपके कहने का गर्ज है तुम्हें वनो मतलब की ये सीमेंट उधार उन दुकानदार सीमेंट पोस्ट ऐसी बकाया अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो हमारी एक पेंच है मजदूर से नहीं सर मजदूर से सारे आई बैठा है मजदूर यहाँ वो तो नहीं मान क्या पन्ना पन्ना अको क्या अकाउंट उनने लिए थे हाँ तो सुनिए हम छे नहीं चाहते
अभी उसमें पैसा नहीं ना, 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 देखिए यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हुआ, रेजोल्यूशन भी डाला गया, लोगों को बुलाया गया, उसके बाद महकमे ने यहाँ पे इनको कहा कि आप काम कीजिए, काम भी थोड़ा सा यहाँ पे लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे जब महकमे ने गफलतशारी खुद ही बरती तो लोग फिर इसको पाई तकमील तक कैसे पहुंचाते। लोहे वाले को लोहा बकाया है, सीमेंट वाले को सीमेंट वाले का पैसा वहां पर बकाया है, और जो लेबर है जिनके अकाउंट लिए गए हैं उनको पैसा उसमें क्रेडिट नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कितनी बड़ी गफलतशारी है, और उम्मीद करेंगे कि अगर महकमा रूरल डेवलपमेंट के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यानी जिला सतह पे रियासती सतह पे उन्हें इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, साथ में पब्लिक पार्क नील जो हाला के इलाके में है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो लोग गफलतशारी करते हैं उनको शिकंजा कसा जाए और गरीब लोगों को फ्री किया जाए, और उन्हें जो मेहनत की है जो गाइडलाइन के मुताबिक उनकी उजरत बनती है वो उनको मिल जाए। उम्मीद करेंगे कि यहाँ गरीब आवाम के साथ जो है नील प्रहेंदर के इलाके में हाला के इलाके में इनके साथ इंसाफ हो, और महकमे के लोग जो है संजीदगी के साथ जानदारी के साथ ईमानदारी के साथ जो है लोगों की मुश्किलों में आसानी पैदा करे, और जो सरकार उन्हें तनख्वाहें फराम करती है जो वागुजार करते हैं महीने के ऊपर, तो उसको भी वो यहाँ पर जो है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करे, और तभी उनकी लाइफ में भी एक बेहतर सुकून आ सकता है। प्रहेंदर से कैमरा पर्सन शकील नायक के साथ आरिफ मुहित, गुलिस्तान न्यूज़।